नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडियन एयरफोर्स के बारे में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स से जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे मल्टी वैकेंसीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट के तरफ से मिला है। आपको इस वैकेंसीज को किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सा एड्रेस में आपका फॉर्म को भेजना है, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो एक एक करके सारे डेस्क को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक रिकमेंड है, और वो भी ग्रुप सी के लिए सिविलियन के पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है, जैसे देखिए मैं यहाँ पे एड्रेस को आपको मैंसन नहीं करूँगा, आप जिस पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा उसका लेफ्ट साइड में आपको एड्रेस दिखेगा। अगर उस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस एड्रेस में जाकर आपको अप्लाई करना होगा, मतलब उस एड्रेस में आपको फॉर्म को भेजना होगा। जैसे देखिए फर्स्ट जो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए 4 वैकेंसीज है, और जनरल के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। तो कुल मिलाकर जो 4 वैकेंसीज है, इस चारों वैकेंसीज को आप इस एड्रेस में जाकर भेज सकते हैं। उसके बाद फिर से लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट है, उसके लिए भी अलग अलग मतलब एड्रेस दिया गया है। तो कुल मिलाकर जितने सारे लोअर डिवीजन क्लर्क है आप देख सकते हैं 2 से 4 वैकेंसीज यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे जनरल भी है एससी एसटी सब कुछ है। और देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में बात करूँ, हिंदी टाइपिस्ट के लिए पोस्ट है, तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी पोस्ट है। साथ ही साथ देखा जाए तो सिविलियन जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए भी पोस्ट है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लार्क के लिए पोस्ट है। साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं कि टोटल जो कुल मिलाकर जो वैकेंसीज है वो 30 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल के लिए 12, एससी के लिए 7, सॉरी एससी नहीं ओबीसी के लिए 7, और एससी के लिए 5, एंड एसटी के लिए 3, एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 3। तो कुल मिलाकर 30 वैकेंसीज दिया गया है। अभी देखिए हेडक्वार्टर ट्रेनिंग के जो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे लोअर डिवीजन क्लार्क, हिंदी टाइपिस्ट, सिविलियन मैकेनिकल्स, तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट मिलाकर कुल मिलाकर जो लंबा लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, उस लिस्ट को आप अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर 43 वैकेंसीज है, जहाँ पे जनरल के लिए 19, ओबीसी के लिए 12, एससी के लिए 6, एससी एसटी के लिए 2, एंड अदर्स के लिए, एंड मतलब फिजिकल हैंडीकैप एक सर्विसमैन के लिए बाकी पोस्ट दिया गया है। तो हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड के ऊपर जो पोस्ट है, सेम टू सेम आपको लोअर डिवीजन क्लार्क, हिंदी टाइपिस्ट और पोस्ट सब कुछ मिलेगा। एक चीज़ों को याद रखना, जो पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो एड्रेस में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस एड्रेस में ही आपको फॉर्म को भेजना होगा, तो उस एड्रेस को आप मार्किंग कर लेना और फॉर्म को भेजना। इस तरीके से सारे डिटेल्स सारे पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। इस पोस्ट को चेक करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि अप्लाई आप कैसे करेंगे। देखिए तो कुछ अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है, जैसे एज लिमिट आपको 18 से 25 साल तक आपको होना चाहिए। मैं एक बार आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ और भी आपको देखने में आसानी लगेगा। तो 28 से 25 साल तक आपको एज लिमिट होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 5 साल छूट दिया जाएगा, और ओबीसी के लिए 3 साल, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल। अभी देखिए जॉब के लिए अप्लाई जब करेंगे तो आपके लिए एज लिमिट क्या रहेगा, 40 ईयर्स जनरल के लिए, और मतलब बाकी ओबीसी के लिए 43 ईयर्स, एंड एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको स्किल टेस्ट, जैसे कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर टेस्ट का नॉलेज होना चाहिए। और देखिए याद रखिएगा 35 आपको वर्ड पर मिनट में आपको टाइपिंग करना होगा, वो भी इंग्लिश के ऊपर। और हिंदी में कितना है, हिंदी में है 30 WPM, 30 WPM के हिंदी में आपको टाइपिंग करना होगा। तो दोनों चीज़ों का आपको याद रखना है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इस मेंशन के वाइज आपको टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। और तीसरी बात, इस पोस्ट के लिए जो सिविलियन मैकेनिकल पोस्ट है उसके लिए आपको बताया गया है कि मिनिमम मैट्रिकुलेशन पास आउट होना चाहिए, उसके साथ मस्ट हैव होल्डिंग ए वैलिड सिविल ड्राइविंग स्किल, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और वो भी हैवी व्हीकल्स का। आपका एटलीस्ट ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस में होना चाहिए, और मस्ट प्रोसेस प्रोफेशनल स्किल एंड ड्राइविंग नॉलेज इन मोटर, मतलब जो मैकेनिज्म है, मतलब गाड़ी सराने, मतलब गाड़ी को ठीक करने का भी आपको स्किल एंड नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 2 साल के आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हेवी व्हीकल्स चलाने का। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन को करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कुछ एग्जामिनेशन देना होगा, जैसे आपको बताया जा रहा है कि लोअर डिवीजन क्लार्क एंड हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज,
न्यूमरिक एबिलिटी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इस तरीके से कुछ एग्जाम्स देना होगा। और CMTD जो पोस्ट है उसके लिए आपको जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमरिक एप्टीट्यूड, उसके साथ जनरल अवेयरनेस एंड ट्रेड पोस्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा। आप एक क्वेश्चन के आंसर एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं। टोटल आपका रिटिन टेस्ट होगा 100% आपको रिटिन टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपको कुछ स्किल प्रैक्टिकल एंड फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आपको फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो एटलीस्ट बोला जा रहा है कि आपको एप्लीकेशन जो डेट दिया गया है उससे 30 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन करना होगा। जो मैंने एड्रेस आपको शेयर किया हो उस एड्रेस में आपको एप्लीकेशन को भेजना होगा। तो ये पूरा डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर किया हूँ और फॉर्म जो आपको बनाना है उसका एक सैम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। इस फॉर्म को आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर बना लीजिए और फॉर्म को तैयार करिए। उसके साथ आपको जितने सारे डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजिए। तो डॉक्यूमेंट्स कौन सा लगेगा? आपके मेट्रिकुलेशन का एडमिट मार्कशीट और हायर क्वालिफिकेशन का मार्कशीट और आधार कार्ड, उसके साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई मतलब मैकेनिकल लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो, और उसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ फ़ोटो के साथ आप फॉर्म को यहाँ पे फोटो एक अटैच करना, और यहाँ पे भी आपको सेल्फ फ़ोटो अटैचमेंट करना होगा। तो दोनों फ़ोटो यहाँ पे लगाकर देखिए, यहाँ पे एक्नोलॉजमेंट जो एडमिट कार्ड है इसको आपको अलग फॉर्म बनाना होगा और इसको एक अलग फॉर्म को बनाना होगा। तो दोनों को फ़ोटो लगाकर आप सिग्नेचर करके बाकी डिटेल्स फिलअप करके भेजना होगा। तो एड्रेस तो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।